हेलो, हाँ जी, किससे बात करनी है? जी शरीन से बात करनी है। हाँ जी, आप कौन है? मेरा नाम तुफैल है, एक बंदा मिला है मुझे, फराद नाम बता रहा है अपना, वो बात करना चाहता है। हाँ जी जी जी, मेरी बात कराए, उससे किधर है वो? उसने मुझे शरीन का बोला है, मैंने उसकी शरीन से ही बात करवानी है। हाँ हाँ हाँ, ये ले, ये शरीन से बात करें। हेलो, ये लें जी, बात करें। बीबी जान, आपका फोन कहाँ है? बीबी जान, वो फिर से लगा हुआ है, लोकेशन मालूम करवाने की कोशिश कर। आपका फोन कहाँ? फोन उसी के पास। हेलो, क्या पता चला? अब क्या किया हीरो ने? हेलो, क्या हुआ हीरो को? अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, मैं मलिक साहब के साथ लाहौर जा रहा हूँ। क्यों? आप शायद जानते हो वो क्यों जा रहे हैं। कितने दिनों के लिए? 2-4 दिन लग जाएंगे फारूक भाई। और वो जो कराची से ग्रुप आ रहा है उसको कौन देखेगा? मैं अब क्या बोल सकता हूँ फारूक भाई, मलिक साहब भी मालिक हैं और आप भी मालिक। तुम पर तरस आ रहा है मुझे, मालिक बनने की कोशिश कर रहे हो मगर बन नहीं पा रहे। खैर जाओ, और कुछ नहीं तो कुछ दिन लाहौर ही घूमो। जाओ, आ सकता हूं? अरे आइए आइए मलिक साहब। हुक्म करें मलिक साहब। हेलो,
बैठा। उसने एकदम से शीनी का हाथ पकड़ा और बोला चलो चलकर गाड़ी में बैठो, वरना तुम दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम कौन हो, कहां ले जा रहे हो मुझे, शीनी ने उससे पूछा तो बोला मैं तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा। शीनी ने बोला नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। उसने एकदम से तेजी से मुझे गर्दन से पकड़ा और बोतल मेरे मुंह पर ले आया और शीनी से बोला चलती हो के नहीं, और इसी खींचा तानी और धक्कम पेल में उसका नकाब उतर गया। और जब नकाब उतरा तो वो कोई और नहीं, फरहाद हुसैन उर्फ हीरो था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सितारा जी, ये बंदा मिल गया आपका। हीरो मिल गया? हीरो नहीं सितारा जी, विलन।